एपिसोड 177 में लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। फिर वो वहाँ पर बैठ जाता है और बोलता है, लेकिन फिर भी मेरे लिए बहुत ही बेनिफिट है मेरे कल्टीवेशन के लिए। सन बोलता है, सही में तुम बहुत ही बड़ा सपना देख रहे हो। जब तक तुम ये क्रिएशन गॉड पैलेस को एक बार कंट्रोल नहीं कर पाओगे, या फिर जो स्पेल बनाया है अगर तुम उसका चेला होगे तो तुम इसे कंट्रोल कर पाओगे, नहीं तो तुम ये कुआं को कभी जगा नहीं पाओगे। तभी अचानक से वो कुआं से लाइट चमकने लगता है। दूसरी तब जीव शॉक्ट होकर बोलती है, अब ये क्या है। तभी एल्डर बोलता है, लगता है कि सन ग्रेट चांस को जगा दिया है। ये तो सेक्रेट फॉर्मेशन है, ये तो इमॉर्टल फॉर्मेशन से भी बहुत ही हाई लेवल का है। जीव बोलती है, गॉड पैलेस में चल कह रहा है और चैन कैसा होगा वहाँ पर। दूसरी तब सन शॉक्ट होकर बोलता है, ये कैसे हो सकता है, तुम ये क्रिएशन गॉड पैलेस के फॉर्मेशन को कैसे जगा सकते हो। सन पैलेस को बहुत ही ज़्यादा साल लग गए थे और वो मुश्किल से फॉर्मेशन को फिल कर पाते थे, लेकिन तुम तो इसे आराम से खोल दिए। क्या तुम सुपर सेक्टर से कोई हो क्या, या फिर स्पिरिट एंसेस्टर का डिसाइबल। वो 9 ग्रेड स्पिरिट एंसेस्टर बहुत ही बड़े हैं, जो कि पूरे यूनिवर्स में राज करते हैं। सनशाइन उनके सामने कुछ भी नहीं है। चैन अपने मन में बोलता है, ये कुआ ऐसे डिमन गॉड के कॉप एनर्जी को रिफाइन करके स्पिरिचुअल एनर्जी बनाता है, और ये सबसे ताकतवर स्पिरिट एनर्जी इंग्रेडिएंट को निकाल सकता है। मास्टर, मैं किसी तरह ये फॉर्मेशन को खोज के निकालूंगा। लगता है कि कुछ स्पिरिट एंसेस्टर ये साथ मिलकर काम किए होंगे और 10,000 सालों का इंतजार करके इमॉर्टल फेटिस को बनाना चाहते थे। जो भी हो, ये सोच के कोई फ़ायदा नहीं है मुझे, मैं वहाँ पर जाकर खुद ही देख लूँगा। फिर वो कुआं के अंदर चला जाता है और जाते हुए शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, ये तो उसके आगे एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है जिसे तलिस्मा और चेन की मदद से वहाँ पर बंद करके रखा गया है। तभी मू डिमन वहाँ पर आ जाता है, बोलता है, मास्टर क्या आप जानते हो कि ये कौन है। चैन बोलता है, मुझे इसका नाम नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये कौन है। ये डिमनिक गॉड है जो कि 100 मिलियन पहले राज करता था यहाँ पर। इसे हेवेलिन ट्रूप और सेलेस्टियन ले यहाँ पर बंद करके रखा हुआ है। अभी मेरा कितना कल्टीवेशन है, मैं इसके करीब भी नहीं जा सकता हूँ। मुझे कम से कम डिवाइन लेवल में जाना होगा, फिर मैं इसका इस्तेमाल कर पाऊँगा। फिर वो कुआं से बाहर आ जाता है। तभी सन बोलता है, तुम कुआं में गए थे ना, तुमने क्या देखा वहाँ पर, क्या तुम सही में स्पिरिट एंसेस्टर का डिसाइबल हो। चैन बोलता है, अगर तुम ज़्यादा जानने की कोशिश किए तो तुम मारे जाओगे। हे मू, तुम जियांग के साथ पृथ्वी में जाओ, बिकॉन्ग सेक्टर और वहाँ के लोगों को बचाओ। मू बोलता है, ठीक है मास्टर। फिर चैन कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। फिर हमें 1 महीने के बाद दिखाया जाता है। चैन बोलता है, ये इमॉर्टल स्पिरिट अब पूरी तरह तैयार हो गया है, ये पूरी दुनिया में ताकतवर एनर्जी है। मैं 9 इमॉर्टल विल का अल्टीमेट लेवल में आ गया हूँ, लेकिन मेरा इमॉर्टल सोल और फिजिकल बॉडी अभी भी बहुत ही कांप रहा है। सबसे पहले मुझे लॉन्गिविटी बॉडी में काम करना होगा, तभी वो एब्जॉर्ब करने लगता है एनर्जी को। सन ये देखकर अपने मन में बोलता है, इसका गोल्डन कोर फिजिकल बॉडी मेरे से ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया। दूसरी चीज, तब चैन बोलता है, इमॉर्टल स्पिरिट के ताकत की मदद से अब मेरा होली फिजिक इमॉर्टल फिजिक बन गया है। अब अगला है इमॉर्टल सोल लेवल, अब मुझे जल्दी से गोल्डन कोर लेवल के हाई पीक में पहुँचना होगा। फिर हमें पृथ्वी में दिखाया जाता है। बिकॉन्ग सेक्टर फिर से अपना सेक्टर को इस्टेब्लिश कर लेता है। यंजू और जू वो सेक्टर का इंचार्ज बन जाती है। फिर कुछ समय के बाद बिकॉन्ग सेक्टर अपना ब्रांचेस को हर जगह फैला देता है। इससे बिकॉन्ग सेक्टर का डिसेबल का स्टेटस बहुत ही ज़्यादा पहले से बढ़ जाता है, क्योंकि वो लोग आधे से ज़्यादा पृथ्वी पर राज करते हैं। तभी एक बच्ची बोलती है, मॉम मैं बिकॉन्ग सेक्टर के एग्जामिनेशन को अप्लाई करना चाहती हूँ। उसकी मॉम बोलती है, ठीक है, अगर तुम बिकॉन्ग सेक्टर में पहुँच गई तो ये बिलियनर बनने से भी बहुत ही बढ़िया होगा। फिर कुछ दिनों के बाद वहाँ पर टैलिन स्टार से एक आदमी आ जाता है और बोलता है, मेरा नाम एम्बर है और मैं टैलिन स्टार से हूँ। पृथ्वी के लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा अच्छा गिफ्ट है, इसलिए मैं उन लोगों को अपना डिसाइबल बनाना चाहता हूँ। फिर ये बात सभी जगह फैल जाता है और वो लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं, डीटी एम्बर यहाँ पर शांति लेकर आया है, वो टैलिन स्टार और अर्थ को साथ करना चाहता है। वो यहाँ पर जल्दी ही एक सेक्टर खोलने वाला है और वहाँ पर कोई भी जा सकता है। फिर हमें जांगबू का डिसाइबल को दिखाया जाता है। एक डिसाइबल बोलता है, एम्बर तो करीबन 20 साल प्रैक्टिस किया है, चैन बैक्सियन तो उसके सामने एक नॉर्मल सा नेचुरल सोल लेवल का इंसान है, उसे तो यहाँ पर आकर इसे मिलना चाहिए था ना। दूसरा डिसाइबल बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, चैन बैक्सियन को बहुत समय पहले अपने लोगों के साथ एम्बर को देखने आना चाहिए था ना। एम्बर भी इनकी बातें सुन रहा होता है, लेकिन वो उसे कुछ बोलता नहीं है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, नॉर्थ पेविलियन हॉल में वो सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। एक आदमी बोलता है, डीटी एम्बर पृथ्वी में शांति करना चाहता है, लेकिन कुछ समय पहले बिकॉन्ग सेक्टर का पब्लिक ओपिनियन बहुत ही खराब होते जा रहा है और उसका 2 नेशनल सोल लेवल और बहुत सारे गोल्डन कोर कल्टीवेटर लोग, मुझे उसका कल्टीवेशन में कुछ गड़बड़ी लग रहा है।
असुर ड्रैगन बोलता है, मुझे लग रहा है कि वो लोग यहाँ पर बहुत ही बड़ा गड़बड़ी करने वाला है। एल्डर बोलता है, फिर हम लोग क्या करें? क्या हम लोग उन पर सोर्ड फॉर्मेशन से हमला कर दे क्या? जियो बोलती है, जब मास्टर ये सोर्ड एरे मुझे दिए थे वो बोले थे कि इसका इस्तेमाल बहुत ही जल्दी नहीं करने के लिए। अगर हम लोग अभी एम्बर पर हमला किए तो हमारा जो प्रोविंस का डिफेंस बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। यंजू बोलती है, हाँ तुम सही बोल रही हो, अच्छा होगा कि हम लोग अभी कुछ नहीं करें। फिर कुछ समय के बाद सभी जगह ये बातें फैल जाता है। एक आदमी बोलता है, बिकॉम सेक्टर असल में कर क्या रहा है? क्या वो लोग चाहते हैं कि हमें दूसरे लोग यहाँ पर आकर परेशान करें? दूसरा आदमी बोलता है, मुझे लगता है कि वो लोग के पास दम नहीं है एम्बर का सामना करने का। मुझे ये भी पता चला है कि डीटी सैन कोई अदर डायमेंशन में फंस गए। दूसरा आदमी बोलता है, हे क्या बकवास कर रहे हो तुम, डीटी चैन तो अपना ब्रेक थ्रू कर रहा है कल्टिवेशन का। तभी अचानक से बिकॉन्ग सेक्टर के ऊपर एक बड़ा सा हाथ हमला कर देता है। वहाँ के लोग ये सब देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं ये क्या हो रहा है, कोई बिकॉन्ग सेक्टर पर हमला कर रहा है, ये तो नेशनल सोल लेवल का है। कल पृथ्वी में जो आया था गोल्डन क्लैन वाले वही लोग हैं। जियो बोलती है, बहुत ही लेट हो चुका है और रात को बिकॉन्ग सेक्टर किसी से मिलते नहीं है, इस समय हम लोग अपने हथियारों से बात करते हैं। फिर वो उस पर हमला कर देता है। वो आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, हे बिकॉन्ग सेक्टर, हम गोल्ड क्लैंड वाले तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है, एम्बर वहाँ पर पहुँच जाता है अपने एक बड़े से जहाज के साथ और वहाँ पर बहुत सारे डिसाइबल भी होते हैं। तभी एम्बर वहाँ पर आके बोलता है, कल बिकॉन्ग सेक्टर जो फॉर्मेशन का इस्तेमाल किए थे वो एकदम मेरे पुराने दोस्त के शॉर्ट फॉर्मेशन की तरह है, मुझे जानना है कि डी टी टेन ये कहाँ से सीखे हैं। तभी जियो बोलती है, कौन सा दोस्त, तुम्हारे कहानियों वाला। तभी यंजू बोलती है, बकवास बंद करो एम्बर और बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मैं चाहता हूँ कि वो फॉर्मेशन तुम मुझे मेरे हवाले कर दो जिससे मैं ये देख सकूँ कि वो शॉर्ट फॉर्मेशन मेरा दोस्त का है कि नहीं। तभी जियो बोलती है, अपना बकवास बंद करो, फिर वो उस पर हमला कर देती है। तभी एम्बर उसके हमले को ख़त्म कर देता है और बोलता है, हे जियो मैं तो यहाँ पर बात करने आया हूँ। जियो बोलती है, बाहर में जाओ, फिर वो उस पर शॉर्ट से हमला कर देती है। एम्बर आराम से उसके सभी हमले को रोक देता है। फिर जियो अपने ताकत का इस्तेमाल करके शॉर्ट से हमला कर देती है, लेकिन एम्बर उसके हमले से आराम से बच जाता है और बोलता है कि बताओ ये चैन बैक्सन कौन है, अच्छा होगा कि तुम उसे बाहर बुलाओ। जियो बोलती है, तुम बहुत ही कमज़ोर हो, डीटी चैन तुमसे लड़ने के लिए कभी नहीं आएंगे। तभी वहाँ पर जियांग आ जाती है और चैन के सभी डीमन गॉड वहाँ पर पहुँच जाते हैं। एम्बर अपने मन में बोलता है, वो प्राचीन तलवार के अंदर बहुत ही ताकत बढ़ा हुआ है। तभी जियो बोलती है, ये तो जियांग है ना। यंजू अपने मन में बोलती है, डीटी चैन सही में बहुत ही सुंदर लड़कियों के साथ घिरे होते हैं। एम्बर बोलता है, लगता है कि मैं थोड़ा सा अपना लाइन को क्रॉस कर लिया हूँ, ये शॉर्ट फॉर्मेशन मेरे दोस्त की तरह है, मैं आशा करती हूँ कि तुम लोग इसे दिल पर नहीं लोगे। जियांग उसे तो बोलती है, बाहर में जाओ। तभी एक आदमी चिल्ला के बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। एम्बर उसे रोक देता है और जियांग को बोलता है, प्लीज़ मुझे बताओ कि चैन बैक्सन कहाँ पर है और मैं इस मामले में उनसे खुद जाकर बात करूँगा। जियांग बोलती है, बात करने का कोई सवाल नहीं होता है, मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगी, फ्लाइंग इमॉर्टल सोर्ड। फिर वो फ्लाइंग इमॉर्टल सोर्ड से उस पर हमला कर देती है, लेकिन एम्बर को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है और वो बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझ पर हमला की। जियांग बोलती है, तो क्या हुआ, अगर यहाँ पर डीटी चैन होते तो तुम कब का मारे जाते। एम्बर बोलता है, तुम्हारे हाथों में जो तलवार है तुम उस पर ज़्यादा भरोसा कर रही हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम इससे कितना हमला कर पाओगी। जियांग बोलती है, ठीक है कोशिश करके देख लो। एम्बर वहाँ से चला जाता है, बोलता है, मैं इसका बदला तुमसे लेकर रहूँगा। तभी उसकी मॉम बोलती है, हे जियांग तुम कैसी हो। फिर यंजू और जियो बोलती है, हे डीटी चैन कहाँ गया। जियांग बोलती है, मैं अभी ठीक हूँ और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डीटी चैन सेक्टर लैंड पर कल्टिवेट कर रहा है, वो एकदम ठीक है। फिर हमें अगले सीन में एम्बर का बेस को दिखाया जाता है। तभी एक डिसाइबल बोलता है, क्या चैन बैक्सियन बहुत ही ताकतवर है क्या, जितना मुझे पता है कि वो गोल्डन कोर कल्टिवेटर है, लेकिन उसका नौकर हमें कितनी आसानी से भगा दिया। एम्बर बोलता है, वो सिर्फ हेवनली सोर्ड का एडवांटेज ले रही है और हमें उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो नेशनल सोल स्पिरिट है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है हमारे लिए। वो आदमी बोलता है, तो हम लोग उसका क्या करें। एम्बर बोलता है, अभी के लिए छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कल्टिवेटर आने वाले हैं, टैनून का डिसर माउंटेन का फोर्स भी आने वाला है। कि बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, चलो हम लोग इसका इंतज़ार करते हैं, जब वो लोग यहाँ पर आएंगे देखते हैं कि बिकॉन्ग सेक्टर और चैन बैक्सियन इसका सामना कैसे करते हैं। तभी कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है कि बोलता है, लॉसन इन्वेस्टिगेट करने गया था ना टॉसंग में, अब वो वापस आ गया है। फिर कि उसके पास जाके बोलता है, हे लॉसन, टैनून हेवन सेक्टर का सेक्टर लीडर कब आने वाला है यहाँ पर, उनके साथ कितने नेशनल सोल लेवल है, क्या डीसेंट माउंटेन अपने साथ कोई स्पिरिचुअल ट्रेजर ले आ रहा है ना। लॉसन बोलता है, हाँ ये सही बात है कि टैनून का डीटी लोग आने वाले हैं, लेकिन वो लोग इतना ज़्यादा नहीं है,
ये बोलता है, तुम बोलना क्या चाहते हो कि वो लोग कम है? वो लोग करीबन नेचर सोल लेवल के 100 लोग थे ना, क्या वो लोग 50 से 60 लोग आने वाले हैं क्या यहाँ पर? लॉसन बोलता है, उससे भी कम हो गया है। ये बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डीसे माउंटेन का सेक्टर लीडर भी यहाँ पर आने वाला है। लॉसन बोलता है, डीसे माउंटेन और सेक्टर लीडर भी यहाँ पर आने वाला नहीं है। ये बोलता है, क्या डीसे माउंटेन यहाँ पर आने वाला नहीं है? लॉसन बोलता है, नहीं, वो दोनों ही वहाँ पर हार चुके हैं। टैनून प्लैनेट ने पहले ही एक आदमी के सामने सरेंडर कर दिया है। की सॉफ्ट होके बोलते हैं, क्या डीसर माउंटेन मतलब खत्म हो गया? एम्बर बोलता है, लगता है कि कोई ताकतवर इंसान टैनून में आया है। वो आदमी कौन है? क्या वो पृथ्वी में आने वाला है? लॉसन बोलता है, वो आदमी का नाम चैन बैक्सियन है। उसका एबिलिटी पहले से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। उसने अकेले ही टैनून को हरा दिया है और करीबन 100 नेशनल सोल लेवल को मार भी डाला है। यहाँ तक कि वो वहाँ पर एक बिगोंग सेक्टर का सेक्टर भी बना लिया है। अब वो पूरा टैनून पर राज कर रहा है। कि ये सुनकर वहीं पर शॉक्ड होकर बैठ जाता है। तभी एम्बर बोलता है, रुको, अभी तुमने क्या बोला? उस आदमी का क्या नाम है? लॉसन बोलता है, उसका नाम चैन बैक्सियन है और मुझे जितना पता है वो होगा क्लैन के मिडिल अर्थ से है। वो तो कब का पृथ्वी में आ गया होगा। मास्टर, क्या आप उसके बारे में जानते हो क्या? की बोलता है, हाँ, हम लोग को पता चल गया। फिर ये बात सभी जगह फैल जाता है और सब लोग बातें करते हुए बोलते हैं, सही में डीटी चैन अब हुआ प्लैनेट पर राज कर रहा है। वांग प्लैनेट में तो कम से कम 100 नेशनल सोल लेवल कल्टीवेटर है ना, और डीसेंट माउंटेन वहाँ का सबसे ताकतवर सेक्टर था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि डीटी चैन अकेले ही उन सभी को हरा दिया। सही में उसका ताकत बहुत ही अलग लेवल का है। दूसरा आदमी बोलता है, बिगोंग सेक्टर सही में अब पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर सेक्टर है और डीटी चैन तो ताकतवर में से ताकतवर है।